तो जयदीप जी, हम इस अपनी टैबलो की क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली दो क्लासेस में आप दो या तीन क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि टैबलो आखिर है क्या, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया कि टैबलो में किसी पर्टिकुलर फाइल डेटा को कैसे कनेक्ट करें। फिर हमने डिस्कस किया कि टैबलो सर्वर या डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज से किस डेटा को हम कनेक्ट करें। तो डेटा कनेक्शंस हम समझ चुके हैं। अब हम आपको अच्छा एम्बेशन सोमी वाले एरिया पे हम डिस्कस करते हैं कि आखिर एक रिपोर्ट बनेगी तो कैसे बनेगी। ठीक है सर, हाँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तैयार करता हूं और यहां से एक डेटा लेता हूं। तो डेटा, जैसे बताया कि आपने कोई भी डेटाबेस ले सकते हैं, तो मैंने चलो एक्सेल डेटाबेस ले लिया क्योंकि मोस्टली एक्सेल डेटाबेस में ही काम होता है और इसमें मेरे पास कई सारे हैं। तो शीट टू को मैंने लिया और यहां पर रख दिया। तो याद रखिएगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया था और अभी मैं बता रहा हूं कि जो डेटा आप लेते हैं, बेसिकली यहां पर इस डेटा को प्रीव्यू है, ओरिजिनल डेटा नहीं है। तो आप डेटा में किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, बट कॉलम नेम में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बस क्या करना है, डबल क्लिक। जैसे टैक्स है तो आप टैक्स को हटा के आप जीएसटी करना चाहते हैं, तो एक तरीका है कि आप पहले एक्सेल में जाएं और जीएसटी करें, फिर यहां पे इसको अपडेट कर लें। लेकिन मुझे एक्सेल की फाइल को चेंज नहीं करनी है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फिर मैं इस पे डबल क्लिक किया और मैंने बोल दिया जीएसटी, ये मेरा चेंज हो गया, राइट? तो चेंज कर सकते हैं। तो इस सीट पे काम करने की तरीके हम बाद बात करेंगे। हम बात करते हैं कि एक रिपोर्ट कैसे बनाया जाए। तो रिपोर्ट को बनाने से पहले आपको समझना होगा उसका डेटा, कि डेटा क्या है, उसके बाद रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? तो ये जो डेटा है, एक सेल्स का डेटा है कि एक यहाँ पे सेल्स ट्रांजेक्शन आईडी है, किस डेट को किस कस्टमर को, कस्टमर की आईडी, नेम और सिटी है, कस्टमर जिस सिटी में लोकेटेड है, कौन सा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की आईडी एंड प्रोडक्ट का नेम है, और किस क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी, और यहाँ जैसे अमाउंट है तो अमाउंट की जगह पे मैं यहाँ पे एमआरपी कर देता हूँ या सेलिंग प्राइस कर देता हूँ। किस एमआरपी से है, उसका टोटल कितना हुआ और उसमें जीएसटी कितनी निकाली गई, और आफ्टर जीएसटी टोटल, जीएसटी इंक्लूड करने के बाद उसका टोटल अमाउंट क्या हुआ। तो यहाँ पे कस्टमर वाइज, यहाँ पे सिटी वाइज, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, उसकी क्वांटिटी का टोटल, उसका रेवेन्यू का टोटल, उसकी एमआरपी की एवरेज, इन सबों पे मुझे एक एनालिसिस रिपोर्ट देना है ताकि इजली हमें पता चल जाए। क्लियर है? यस सर अब हम सीट पे जाते हैं और वन बाय वन हम रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज, राइट, नेम बाइज, सिटी नेम बाइज, और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल ले लिया। सॉरी, ये मैं शिफ्ट दबा दिया, इसका से ज्यादा आया। मैं यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो मेरी विजुलाइजेशंस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे विजुलाइजेशन में क्या सिलेक्ट किया जाए वो डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी के ऊपर। जैसे मुझे शेयरिंग देखना है, मुझे यहां पे टोटल लिखना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो यहां पे आप देखिए कस्टमर्स की टोटल्स आपके सामने दिख गई, दिख गए। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। इस पे क्लिक किया तो ये तो सही नहीं है, तो इसी सही कर रहा है। उसके बाद अगर मैं नेम को उठा के वापस रख दिया रो में तो क्या होगा? नहीं, वो नो रो, एक बार में एक ही फील्ड, जैसे पिवट में होता है ना, उसी तरह से यहाँ आएगा। या फिर आपने नेम को उठा के रख दिया क्वांटिटी इसमें कॉलम में, तो एक कॉलम में मूव नहीं होगा। हाँ, इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मूव नहीं होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि रिपोर्ट सही हो जाए। क्लियर है? यस सर अब मुझे, अब यहाँ मुझे, मैंने यहाँ पे एमआरपी और प्रोडक्ट लेता हूं कंट्रोल से। तो क्या एक सीट पे एक से ज्यादा रिपोर्ट बनाई जा सकती है? तो
तो वापस मैं इसको यहाँ पे ये लेता हूँ प्रोडक्ट का वन पे, ठीक है। तो जब आप एक से ज्यादा रिपोर्ट बनाएंगे तो क्या होगा कि उसी रिपोर्ट को यहां पार्ट में दिख जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे आपका आ गया प्रोडक्ट सीडी और यहां पे आपका क्या नेम और ये आपका प्रोडक्ट का पूरा ओवरऑल एमआरपी का दिख रहा है। तो मुझे एमआरपी का दिख रहा है और यहां पे हर प्रोडक्ट का अलग अलग रिपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। यस लेकिन सर सर एक क्वेश्चन है हाँ कि ये दूसरा वाला जो ग्राफ है राइट साइड वाला हाँ? तो उसमें तो क्लियर हमको पता नहीं चलता है कि किसका वो बता रहा है, वो इंफॉर्मेशन किसकी आ रही है। हाँ इस पे आप देखिए, ये आपको पता चल गया, हाँ समझ गए। ओके उसके पैरेलल ये है, ओके वही है ना, ठीक है। बट यहां इसका टोटल दिख रहा है किसकी, एमआरपी का, लेकिन मुझे एमआरपी टोटल नहीं चाहिए, एमआरपी क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है। तो इसका साइड पे क्लिक करूंगा मैं और यहां पे मेजर्स में सम की जगह पे एवरेज दे दूंगा। अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, अटक गया इसमें एमआरपी और यहां पे इसको, यहाँ पे एक चीज और भी है, हम इसको एक काम और कर सकते हैं, एमआरपी को उठा के हम कलर्स पे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। ये हो गया, अब मैं एक नई सीट ऐड करता हूं और वहां पे मैं प्रोडक्ट का शेयरिंग निकालना चाहता हूं रेवेन्यू में, और यहां हम इसमें हम पाई चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। बट सम ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल मैं यहां से नेम को उठा के रखता हूं, नेम को उठाया और हमने कॉलम में रख दिया। या फिर शुरुआती में हम जैसे प्रोडक्ट वाइज लेना है, प्रोडक्ट और क्वांटिटी इसकी टोटल लेना है तो यहां आप पहले डेटा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे जो है मैं इसके मामले में आपका पावर भी अच्छा है, पावर भी पे एक ही कैनवस एरिया में जो डालना चाहे डाल सकते हैं, बस में क्या है डिफरेंट डिफरेंट कैनवस क्रिएट करना पड़ता है, एक सीट की डेटा की एनालिसिस को यहां पे दिखाया जा सकता है। एक छोटी सी दिक्कत यहां पर, तो यहां पे हम इसको सेलेक्ट करके यहां पाई चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, पाई चार्ट। और इसमें और भी बहुत सारे जो फॉर्मेटेड है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर वापस तीसरे पे जाते हैं और तीसरे में हम यहां पे सिटी वाइज सिटी, और हमने यहां पे कंट्रोल के साथ हमने रेवेन्यू दे दिया और यहां पे मेरा सिटी हाईलाइटेड हो गया। ध्यान है इसके लिए आपका इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है, हाँ समझ गए। हाँ नहीं ये फैसिलिटी तो सर इसमें भी है ना, अपने एक्सेल में भी है। नहीं एक्सेल में इसको एडिंस लेना पड़ता है डायरेक्ट, नहीं 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 सर एक्सेल 19 में है सर। हाँ तो वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 19 में यहाँ आपके सामने इंस्टॉल में जियोग्राफिकल चार्ट आता है, मैप आ रहा है, दिखा हाँ इसमें 3D मैप, 3D मैप राइट साइड में सर। ये 3D मैप अलग हो गया है, ये आपका मैप हाँ हो गया है, ये 3D मैप अलग हो गया है सर। ओके हाँ यहाँ पर आता
ये हमारा मैप है। अब देखिए यहां पे एक चीज और देखा आपने, मेरे चार्ट कई चीज में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने नेम को रो के अंदर रख दिया, मैं हटा दिया तो एक आया। तो इस तरह से आप इस कैटेगरी के हिसाब से भी ले सकते हैं, और सिटी डालते ऑटोमेटिक वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस सिटी का है, और सिटी का नेम वगैरह तभी दिखेगा जब इसका ये होगा। अब मैं सिटी को एक बार सिटी को वापस लेता हूँ और सिटी को कलर्स वाले एरिया में छोड़ देता हूं। एक मिनट, या नेम को उठाता हूं कलर्स वाले एरिया में छोड़। ऊपर से ऑटोमेटिक है, इसकी वजह से हो रहा है हाँ कलर के ऊपर जो ऑटोमेटिक हो रहा नहीं, है। हाँ मार्क्स है मार्क्स, जैसे कि आप बार करना चाहते हैं तो बार में हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं ओके ये स्क्वायर हो तो स्क्वायर, डॉट्स लाइनिंग होता है, ये अलग चीज है सर, ठीक है ना। मैप का लाइनिंग चाहिए तो मैप का लाइनिंग आता है जी, इस पे क्या आपका मैप का जो रूल होता है ना, मैं कुछ और करना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ अगर मैं इसको सिटी को, आपका जो सिटी है इस सिटी को उठा के मैं कलर्स पे, ये कलर्स पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसको उठा के मैं कलर्स पे ड्रॉप करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि एरिया आपका कलर हो जाता है। लेकिन क्या है कि ये स्टेट वाइज है, इस कारण से कलर आपका नहीं दिख रहा है, वरना कलर आपका कलर हो जाता है स्टेट। तो ये आपको आगे क्लासेस में हम समझाएंगे कि किस तरह से हम कलर करते हैं सिटी को, मतलब उतना एरिया का जाएगा, मतलब छोटे छोटे शहर है ना, इस कारण से नहीं कर रहा है, एक स्टेट होता, स्टेट वाइज होता तो पक्का हो जाता, ओके हाँ ठीक है। क्लियर है? अब इन यस सबों को आपस में मर्ज करना, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करूंगा, जितने भी शीट हमने क्रिएट किया है, शीट फोर तो ऐसे हो गया क्रिएट किया है, वो यहाँ आपको दिख जाता है, बस यहाँ पे इसको आपको बस रिप्रेजेंट करना है, हो गया। अब बोलो सर दूसरे के लिए जगह नहीं हो, दूसरे के लिए जगह होगा जब आप दूसरे को यहाँ पे लेके आएंगे, और तीसरे को मैं इसके बगल में यहाँ पे आना चाहता हूँ। ओके रिपोर्ट सर, अब यहाँ यस सर दिख रहा है, मैं उसका लीजेंड राइट साइड पे चला गया। हाँ यहाँ पे चला गया, इसमें सीट टू के जगह पे आप यहाँ पे दे सकते हो कि प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, और यहाँ पे भी आप इसकी चेंजिंग कर सकते हो, जैसे मैं इसको ये कर दूँ तो ये मेरा डेटाबेस डेटा की तरह हो जाएगा, समझे। यस और जो देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसी पे ही चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सेल्स है यहाँ पे दे सकते हैं सेल्स इन सिटी, राइट। तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ सीट टू पे कोई किसी तरह का, इस पे सीट थ्री पे किसी तरह का चेंज करूंगा, तो सिटी यहाँ पे रखा मैंने, मैं सिटी को रखता हूँ, सिटी एंड होटल, और मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे मैं लाइन दे देता हूँ, लाइन भी दे सकते या एरिया दे सकते हैं, किस किस एरिया में कवर्ड है, या फिर स्क्वायर, या आप टेक्स्ट में दे सकते हैं, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, तो टेक्स्ट को, और टेक्स्ट के ऊपर मैं यहाँ पे ये नहीं, टेक्स्ट अलग हो गया, ये फिर से एक एक करके चेंज करना पड़ जाएगा,
यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये भी दे सकते हैं, पॉलीगन भी दे सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा है कि फिलहाल तो आप इसको सर्कल रखें। जैसे चेंज करेंगे आप यहाँ डैशबोर्ड पे देखेंगे वो चीज ऑटोमेटिक चेंज हो गया। हम्म, ठीक है, तो जो आप चेंज करेंगे अपने डैशबोर्ड में वो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, भाई यहाँ पे मैं फिल्टर दे दूँ तो आगे चल के मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फिल्टर्स को भी यूज कर सकते हो, पेज फिल्टर्स और सब भी यूज कर सकते हो। आगे क्लास में ये चीज आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका शो मी होता है, ये आपका कैनवस एरिया होता है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वन बाय वन चार्ट को बनाएंगे और फिर डैशबोर्ड में उसको अपना कंबाइन करेंगे। और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ये आपका टाइल्ड है, अगर फ्लोटिंग करूंगा तो फ्लोटिंग आ जाएगा, टाइल्स करूंगा टाइल्स हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये शुरुआत के तौर पे जैसे ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए उस हिसाब होता है जो स्टार्टिंग में जो हम लेते हैं। ठीक है, तो रिपीट उसके हिसाब से आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब इसकी जो बहुत सारे जो फॉर्मेटिंग होती है उनके बारे में भी हम आगे चल के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप क्या करें कि आप इस तरह के छोटे छोटे रिपोर्ट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, यस तो रिपोर्ट्स बनाना शुरू करें तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यस ले लेना। हाँ सर। चलो।